हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू ले लिए मीडियम साइज़ के। अब इसको पील कर लेते हैं और अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 आलू ले लिए और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब मैं इनके दो दो हिस्से कर दूँगी, यानी कि बीच से हम काटेंगे इनको। तो इस तरह से मैंने आलू की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 प्याज, इनको हम लंबा लंबा काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज कट कर लिया है और इसको मैं मिला दूँगी आलू में। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, पीसी हुई सौंफ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक, फ्लैक्स सीड, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है, और इसमें कुछ डाल दूंगी मैं कसूरी मेथी। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक ढक कर रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटे हुए टमाटर ले लिए। सो अब हम कुकर में डालेंगे तेल। गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी, एक्चुअली इसमें हमने तेल भी डालना है। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी खड़े मसाले हो सब डाल दीजिए और साथ में जीरा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने लंबा काट लिया है। तो यहाँ पर अब डाल दूँगा टमाटर। तो यहाँ पर हमारे टमाटर डल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। इसको हम 4 से 5 मिनट तक भूनने देंगे। हमारी आलू की सब्जी हो चुकी है तैयार। वाह, क्या खुशबू आ रही है। सो गाइस, आलू यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे ऊपर से। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चावल के साथ या चपाती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।